नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर चर्चा करूँगा। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन अथवा पार्श्व क्रम संयोजन पैरेलल कम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो देखिए, पहला श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा समान धारा प्रवाहित होती है, सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसमें बैटरी से धारा I प्रवाहित हो रही है कि I धारा इसमें से भी प्रवाहित होगी, R2 में से भी, R3 में से भी, क्योंकि इसके लिए एक ही रास्ता है। ये जो है इन R1 के सिरों के बीच का विभवांतर दर्शाया गया है, ये परिपथ नहीं है, और ये भी R2 के सिरों का विभवांतर V2, R3 के सिरों का विभवांतर V3 है। अब ओम के नियम से इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I, प्रतिरोध R1, सिरों पर विभवांतर V1। तो ओम के नियम से होगा V1 बराबर हो जाएगा IR1। इसके लिए V2 बराबर होगा IR2 तथा R3 के लिए हो जाएगा V3 बराबर IR3। यदि बैटरी का विभवांतर भी हो तब V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब तीनों का मान यहाँ रखा जाए तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, या यहाँ भी उतार देंगे तो ये पहला समीकरण। यदि तुल्य प्रतिरोध, यानी इन तीनों को हटाकर ऐसा प्रतिरोध लगाया जाए कि जो तीनों काम करें वही अकेला काम करे, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तब ओम के नियम से V बराबर होगा IR। ये दूसरा समीकरण। अब हम देख रहे हैं पहले और दूसरा समीकरण को, इसका ये पक्ष V है, ये IR1, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो गए। तो समीकरण एक और दो से IR बराबर IR1 R2 प्लस R3, IR से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तुल्य प्रतिरोध मिला हमें, ये क्या मिला, तुल्य प्रतिरोध। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर, जैसे यहाँ तीन प्रतिरोध हैं तो तीनों का तुल्य प्रतिरोध R के बराबर है। यदि चार होता तो R4 होता, पाँच होता तो R5 होता। चूँकि ये सब श्रेणी क्रम में
जुड़े हैं, तो इसमें से धारा क्या होगी, सब में से एक समान प्रवाहित होगी। अतः सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन अथवा पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक ही बिंदु A से तथा दूसरे सिरे एक ही बिंदु B से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। देख रहे हैं चित्र में तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। सबके पहले सिरे बिंदु A पर और तथा दूसरे सिरे बिंदु B पर जुड़े हैं और इनके बीच जो विभवांतर है एक ही है। इनके क्योंकि बिंदु एक है इधर एक, तो इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा एक होगा। लेकिन जो धारा यहाँ से निकल रही है इसके लिए तीन रास्ते मिल जा रहे हैं, इसके लिए तीन रास्ते हैं, 1, 2, 3। तो पहले में धारा I1, दूसरे में I2 तथा तीसरे में I3 प्रवाहित हो रही है। तब ओम के नियम से पहले के लिए I1 बराबर हो जाएगा V/R1, दूसरे के लिए I2 हो जाएगा V/R2 तथा तीसरे के लिए हो जाएगा I3 बराबर हो जाएगा V/R3। ये होगा और यहाँ पर है क्या, एक ही धारा आई है जो तीन भागों में डिवाइड हो जा रही है। यदि कुल धारा आई हो, यदि कुल धारा आई हो तो आई बराबर हो जाएगा I1, I2, I3। सबका मान यहाँ रखा जाए V/R1 + V/R2 + V/R3। अब इसमें से V को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। या इसको हम लिख सकते हैं I, या ये पहला समीकरण। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, यदि तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, यानी इन सबको हटाकर एक प्रतिरोध ऐसा लगाया जाए जो तीनों का प्रभाव है वही एक का प्रभाव है। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से क्या होगा, I बराबर होगा V/R। ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी V/R बराबर V1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/R1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हम देख रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। क्या है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। चूंकि सभी प्रतिरोधों के सिरों पर एक समान, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर एक समान विभवांतर है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा हो आई होगी वह उनके प्रतिरोधों के
व्युत्पन्नपाती होती है।